कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि गूगल पे में दो बैंक अकाउंट लिंक कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी गूगल पे अकाउंट यूज़ करते हैं और आप लोग चाहते हैं अपने गूगल पे अकाउंट में दो बैंक अकाउंट लिंक करना, यानी कि गूगल पे अकाउंट में डबल बैंक अकाउंट को लिंक करना, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि गूगल पे अकाउंट में दो बैंक अकाउंट लिंक कैसे किया जाता है, तो फिर मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने गूगल पे के अकाउंट से दो बैंक अकाउंट लिंक कैसे कर सकते हैं। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस सबसे पहले आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस गूगल पे में दो बैंक अकाउंट लिंक करना है तो यहाँ पे आप लोग लोगो पे क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आप लोग की जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे गूगल पे से वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। गाइस अभी मेरी एक ही बैंक अकाउंट लिंक है तो यहाँ पे दिखा रहा है एक अकाउंट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और देख सकते हैं अभी हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक ही सिर्फ यहाँ पे लिंक है। अब गाइस यहाँ पे मैं डबल बैंक अकाउंट लिंक करना चाहता हूँ, यहाँ मिलता है आप लोग को ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो है बैंक, जिस बैंक अकाउंट में खाता है उस बैंक को सर्च कीजिए। अब गाइस ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोगों के गूगल पे में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप लोग के बैंक से लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे से लिंक कर पाएंगे। गाइस आप लोगों का जो गूगल पे से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आप लोग के बैंक में, चाहे एक बैंक में लिंक हो, दो बैंक में, तीन बैंक में, जितनी भी बैंक में लिंक होगा उतनी सारी की सारी बैंक आप लोग गूगल पे से लिंक कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे सर्च कर लेना होगा। मैं अपनी सर्च कर लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे टाइप करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और गाइस यहाँ मिलता है आप लोग को कंटिन्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। ये मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा और इसका कुछ चार्ज कटता है वो आप लोग का कट जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो यह बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया जो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सर्च करके वो आप लोग की ऐड हो जाएगी। देख सकते हैं हमारी बैंक अकाउंट जो यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे एक पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड हो चुकी है और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ऐड हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से आप लोग अपने गूगल पे में दो बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोग को गूगल पे में दो बैंक अकाउंट को लिंक करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।